मुझको चला देन के आहकाम पर भी मुझको चला देबीमी वसलातम सईद नम्बिया इबालमसन अम्मा बदू व आरूज़ब्लिमिनशन वजीम बसमीम असलात अलैका या रसूल व वबिक या हबीबल्ला मोहसम नाजन कराम हमारा प्रोग्राम है अहकाम कुरान और इस प्रोग्राम में कुरान मजीद फ़ान हमीद की उन आयात की तफसीर का सिलसिला जारी है जिनका ताल्लुक फ़िक्री अहकाम से है लास्ट जो प्रोग्राम हुआ था हमारा उसमें हमने सूरह यूसुफ़ की चंद आयात शामिल करते हुए ख़ास तौर पर जो फिकही मसले पर एक आयत मबारक थी उसको ज़ेर बहस ला कर उससे क्या क्या मसाइल अक्स हो रहे हैं उसकी तफसील आपके सामने बयान की चूँकि सरे यूसुफ़ मक्की सूरत है मक्की सूरतों में आहकाम की जो आयतें हैं वो बहुत कम हैं यही वजह है कि सिर्फ दो प्रोग्राम हम सरे यूसुफ़ के तल्ल से कर सकें हैं आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोरे रात बाज़लमा ने तो एक आयत का भी इंतख नहीं किया जैसा कि तफसरत हमदिया में एक आयत का भी इंतखब नहीं किया गया सुर रात से लेकिन बाज़ल ने चंद आयात ऐसी उनकी निशानदेही की है कि जिन के हवाले से फिकही जो मसाइल हैं उस पर बहस की जाती है तो बुनियादी तौर पर आज हमने सोरे रात की आयत नंबर आठ का इंतख्य किया है कि जिसके अंदर अल्लाह रबुुल्ज़त जो कुछ इर्शात फरमा रहा है उसको लेकर क्या क्या फ़िकी अहाम हमारे सामने निकलते हैं उसकी फरिश हम अल्लाह ने चाहे तो उस पर आपसे डिस्कस करेंगे बात करेंगे इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए चलते हम अगले मरल की तरफ जी रानुमा है जन्नत का रास्ता है जी जनाब आज के मौजूद क्या होंगे ठीक है पहला मौजूद तो यह है कि सोरे रात का तारुफ ठीक है जनाब अगला नुकता क्या होगा आयत नंबर आठ से तेरह का पस मंज़र क्या है तीसरा नुकता हमारा ये है कि आयत नंबर आठ का फ़िकही पस मंजर क्या है और चौथा नुकतः हमारा ये है जिस पर सबसे ज़्यादा गुफ्तगु होगी कि हमल और मुख्तलि फिकम अल्ला ने चाहते हो इन तमाम निकात पर बात करेंगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ जी नाजनिक सबसे पहले हम आयत नंबर आठ की तिलावत और तर्जा सुनते हैं और फिर अपने मौजू को हम आगे बढ़ाते हैं जी खुर आ है जन्नत का रास्ता है اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثًى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ترجمه كنز अल्लाह जानता है जो कुछ किसी मादा के पेट में है और पेट जो कुछ घटते और बढ़ते हैं और हर चीज उसके पास एक अंदाजे से है अल्लाह जानता है जो कुछ माँ के पेट में है एक पोशीदा चीज है अगरचे आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और साइंस बहुत सारी बातों का पता चला देती है लेकिन ये सारी बातें अल्लाह इज़्ज़त की कुदरत और अल्लाह इज़्ज़त के इल्म के खिलाफ नहीं हैं बाद लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कुरान पाक तो यूँ कह रहा है कुरान पाक तो यूँ कह रहा है कुरान पाक को समझने की ज़रूरत है इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कुरान पाक क्या कह रहा है क्या कोई साइंस ऐसी है कि जो बच्चा पैदा कर सके मिलाप हो और बच्चा पैदा हो जरूरी तो नहीं है कितने लोग ऐसे हैं जो बे हैं उन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है तो माँ के जिस्म में जो रहम है ये रहम बिला शुबा कुदरत के अजायबात में से एक अजूबा है और अल्लाह रब्ज़त क़ुरा पाक में कई जगहों पर इसका तस्करा करता है क़र्न पाक ने बहुत सारे मकाम पर तख्लीक इंसानी को बयान किया उसका मकसद क्या है यानी अल्लाह रब्जत एक तरफ कायनत की तख्लीक को बयान फरमाता है के आसमान चाँद सूरज सितारे समंदर पहाड़ वो चीज़ें कि जो इंसान जिनके जितना करीब होता जाता है उतना ही खुद को आजिस् तस्वूर करता है ना आज तक वो समुद्र की गहराई में उतर सका है एक लिमिट है सिर्फ वहाँ तक गया है ना वो स्पेस पर एक लिमिट से ज़्यादा जा सका है और गया भी है तो एक नए से नए जो है नज़ारे और हैरत में डालने वाले सामान उसके सामने हैं तो इसी तरीके से एक हैरत का सामान है माँ का रहम अल्लाह रबालजत के अजाइबा में से एक अजूबा है कई मकाम पर कौर मजीद फान हमीद ने कान तख्ल का जो एक सिलसिला है उसको इशारतान किनायातान सराहतन बयान फरमाया माम सुन्नत रली अल्लाह तु ने एक रिसाले में जद आयात मुबारका कोड की हैं और वहीं से मैंने ये आयात इतखाब की मैं अर्ज़ करता हूँ सया इमरान में शाद होता है इनक अल शैन फिलद वफमा बिला शुबा अल्लाह पर कुछ मख्फी नहीं है ना आसमानों में ना ज़मीन में वो लज्विर रकुम फिला हम कई शाह माँ की रहम में वो जिस तरह चाहता है बच्चों को पैदा फरमाता है चाहे लड़का पैदा करे चाहे लड़की पैदा करे चाहे तो नुख्स वाला बच्चा पैदा करे चाहे तो एक पैदा हो, चाहे तो दो पैदा हो, छः छः बच्चे भी पैदा होते हैं ज्यादा भी पैदा होते हैं किसी मतलब के इंसान की कुदरत नहीं है कि वो बच्चा पैदा करने पर ताकत हासिल कर ले इंसान आज भी आजिज है वो जो अल्लाह की तख्लीक है उसको पहचानने की जरूर कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ रहा है पहचान की दावत तो अल्लाह खुद इशात फरमाता है जगह जगह पर हम सब अल्लाह के जो कायनात है अल्लाह की कोई भी तख्लीक है उसकी तरफ पहचान बढ़ाएंगे तो अल्लाह की मार्फत में इजाफा होगा ये एक अलग मौजू है फ़रमाया ला अल्लाजीज़ुलहम बिला शुबा अल्लाह रबुल्ज़त इज़्ज़त और हकमत वाला है फिर अगले आयत यही सोरे रात की जब भी बयान हुई और उसके बाद जो है सुर हज मेंशाद होता है वनोक्रफ़िल अर हा मिमां नशा उला अजलिम मुसमा और हम ठहराए रखते हैं माओ के पेट में जिसे चाहें एक मकर्रा म्याद तक बच्चा अगर आठवें महीने पैदा हो जाए सातवें महीने पैदा हो जाए तो अर्ली बर्थ कहलाती है कुदरत का बनाया हुआ जो निज़ाम था यानी अमले तनफस बच्चे को सांस देना है रहम में ये टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर रखना है इंसान ने उस तख्लीक से सीखा है कुछ चीज़ों को कापी किया है तो वह आगे बढ़े हैं चले अमवात ना हो और बच्चे को बचाया जा सके लेकिन ज़रा इस पर तो गौर करें ऐसी क्या बात है कि नौ महीने तक ही इसने होना है और उसके बाद फिर पैदाइश होनी है एक सर्कल पूरा घूम रहा है तो फरमाया बनुक़र फिलरहाम हम ठहराए रखते हैं माँ न शाउलाजल मुसम्मा एक मखसूस मुद्दत तक और उसके बाद सरेकमान में भी तफसल के साथ ज़िक्र हुआ इन दिल्स वयनज़ अल्लाह के पास क़्यामत का इम है वही बारिश बरसाता है वयाम माफिल अरहाम जो कुछ पेटों में उसे जानता है जो है उसको भी जानता है और जो हो रहा है वो उसी की मंशा और मर्जी से हो रहा है कहीं नुस्फे जुड़ते हैं कहीं नहीं जुड़ते कहीं बच्चे पैदा होते हैं कहीं नहीं होते कहीं सख्त हो जाते हैं हमल ज़ाया हो जाता है कहीं नहीं ज़ाया होता कहीं जिंदा बच्चा पैदा होता है कहीं मुर्दा बच्चा पैदा होता है याम फिर हम का सिर्फ ये माना नहीं है कि जिस तरह अल्ट्रासाउंड जान लेता है तो अल्लाह को भी सिर्फ इल्म है अल्ट्रासाउंड तो मोहताज है बहुत सारी चीज़ों का अल्लाह का इल्म तो इसबाब का मोहताज ही नहीं है ला, वो इल्म तो ऐसा है कि और कमाल को पहुँचा हुआ है सिर्फ इल्मी मुराद नहीं है बल्कि जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह की कुदरत से हो रहा है वमा तदर नफसम बाज़ा तक और बंदे को नहीं पता कि क्या करना है उसने कल अल्लाह जानता है वमा तदर नफसम अय अरदिन बंदे ने कहा मरना है उसे तो नहीं पता इनल्लाखबीर अल्लाह को पता है एक और जगह फरमाया वह खाला का तुम मिनतलाब अल्लाह ने तुम्हें मट्टी से पैदा किया तुम मिन नुतफतिन जब इंसान का बदन बन गया जिसम बन गया इस इंसान साब एक नुतफा निकला वह रहम में मुंतकिल हुआ तो फिर इंसान की जो पैदाइश है उस नुफ़े से की गई फरमाया तुम मजाला तुम अजवा तुम्हें जोड़े बनाएं वमा तहमिल उनका औरत जो कुछ हमल उठाए रखती है वला तदाउल बिल्म ही सब अल्लाह के इल्म और कुदरत से है वमा मिन वमायुआमर और किसी की उम्र में अगर इजाफा किया जाता है वला वलायन कसुमिनुम्र ही फ़ी किताब और अगर उम्र में कमी की जानी है सब के सब लोहे महफूज पर लिखी हुई है जो होना था वो लिख दिया गया है इन नज़ाली का अल्लाह अल्लासी अल्लाह पर कोई मुश्किल बात नहीं है आसान है सुर हामिम सजदा में शाद होता हैद्दा अल्ला ही जानता है क़यामत का इल्म वमा मिन समरातिम मिन तमरातमिन अकमाम और कोई फल अपने गिलाफ से नहीं निकलता वमा मिन उनसा कोई औरत बच्चे को जन्म नहीं लेती यानी कोई औरत उसके रहम में नवा नहीं पड़ता, बला तदाऊ और ना ही बच्चे को जन्म लेती है ही, मगर अल्लाह के इल्म और कुदरत से। नजर मोहतर और भी आयात हैं एक और आयत पढ़ देता हूँ सो नजम की आयतम वर्क़ा है बिकुम अल्लाह तुम्हें ज्यादा जानने वाला हैुम उसी ने तुम्हें पैदा किया इस तरह मिलल अर्थ मट्टी से पैदा किया और तुम तो जब अपने माँ के पेट में जनीन थे लोथड़े की शक्ल में थे अल्लाह ताला तो तुम इस वक्त से जानता है तो हमारा खालिक है हम तो मादूम थे थे ही कहाँ तो जगह जगह पर इस मौजू का तकरार है उस तकरार का मकसद ये है कि इंसान की तख्लीक इस कायनत का सबसे बड़ा अजूबा है जी हाँ सारे अजूबे एक तरफ इंसान जब इनको देखेगा ही नहीं तो इंसान के लिए अजूबे क्या करेंगे इंसान खुद आया दुनिया में जब उसने सारे अजूबों को देखा अजूबे से मुराद एक ऐसी चीज़ जो हैरत में डाल देती है जो अकल को हैरान कर देती है इंसान खुद को आजिश कहने पर मजबूर हो जाता है तो यूं ये एक मौजू है ये मौजू रात की आयत नंबर आठ में बयान हुआ नजर मौत रात जो है ये मुसफ़ की तरतीब है उसके अतबार से तेरहवीं सूरत है और ये जो सूरत है ये मक्की सूरत है और मक्की जो सूरतें हैं वो सूरतें कहलाती हैं जो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और मक्का मुकरमा में अगरचे के बहुत सारी इबादात मुसलमान उसको अंजाम देते थे नमाज़ भी पढ़ा करते थे लेकिन मुसलमानों ने कोई मस्जिद नहीं बनाई थी मस्जिद तो पहले से मौजूद थी मुसलमानों ने किसी रियासत की बुनियाद नहीं रखी थी इस बिना पर नजुल कुरान जब तक मक्का मुकरमा में होता रहा आहकाम बहुत कम नाजिल हुए गए के बाद जो मदनी आयात हैं या वो सूरतें हैं जो मदनी सूरतें कहलाती हैं उसमें अहकाम बहुत ज़्यादा हैं यही वजह है कि सुर बकर हो सुर आल इमरान हो सुर नसा हो और ये जो आगे की सूरतें हैं इन में बसरत अहकाम की आयात हैं सुर रत मक्की सूरत है इसमें मा ने दो चार आयात का ही इंतखब किया है कि ये जो आयात हैं ये आयात आहकाम के हवाले से हैं सुर के मजामी क्या हैं सुर रत के मजामी में अल्लाह रब्ज़त की वाहदानियत और इसके दराइल बयान किए गए हैं बड़े कमाल के दराल बयान किए गए हैं मिसालों के साथ इंसान की तोबीक करते हुए इंसान को मुतनब करते हुए बहुत सारी चीज़ें बयान की गई हैं अब मौजू एक ही होता है यानी मक्की आयात में तोहेद तकरीबन तमाम की तमाम मक्की सूरतों में तोहैद का मौजू मिलेगा लेकिन उस मौजू के अंदर दलाइल का अंदाज़ अलग होगा मुख्तलिफ बातें होंगी तोहेद के तल्ल से जो एतराज़ा किए जा रहे थे ताज़ा तरीन उनका जवाबात होगा तो यूँ मौज़ू तो एक है लेकिन दलाइल जुदा जुदा हैं उसलूब जुदा है एतराज़ात जुदा हैं जिनका जवाब दिया गया तो यूँ तोहद के तल्लक़ से बात की गई और फिर अल्लाह रब्ज़त ने मज़ाहर कायन को अपने वजूद की दलील के तौर पर बयान किया है इस सूरत मबारक में भी आसमानों ज़मीनों सूरज चाँद रात दिन पहाड़ों दरियाओं खेती बागात मख्तलफ़ रंगों खुशबुओं ईक़ों इन तमाम चीज़ों को पेश करके इनके बनाने वाले पर इस दलाल किया गया है कि देखिए इनके बनाने वाला मौजूद है सब चीज़ें खुद ब खुद नहीं बन सकती क्यामत का तस्करा मौजूद है हक वातिल की बात मौजूद है कि जनाब कुछ लोग वो होंगे जो इबादत गुजार होंगे और कुछ लोग वो होंगे जो गुनहगार होंगे इसी तरीके से मतकीिन और अहल शादत देखने वालों की तरह हैं नाफरमानंदों की तरह हैं ये बात बयान हुई प्यारकाल सात के कुछ औसाफ बयान हुए और इसके अलावा कुछ अम्बिया कराम का तस्करा हुआ अल्लाह ताला ने अपनी नमत मंदों को याद दिलाई और इस सूरत का जो अख्तितमाम है अल्लाह रब्ज़त ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत रसालत की शहादत उस पर इस सूरत मुबारक का अख्ताम किया वैसा तो ये सूरत मुबारक मक्की है लेकिन आठ नंबर आयत और नौ दस ग्यारह बारह तेरह जिनके उल्मा ने लिखा कि ये मदीना मनवरा में नाजिल हुई अब इनका पस मंर क्या है फिर हम इन आयतों की तलाब की तरफ बढ़ेंगे पस मंजर सुन लेते हैं पस मंर यह है कि हजरत इबन अब्बास तन रवायत करते हैं इमाम तिबरी ने इसको अपनी संद के साथ रिवायत किया कि दो अफराद थे जो कि कुफ़ार थे अरबद बिन कैस और आमिर बिन तुफैल ये नबी अकरम अक्रम्लाम के बारगा में पहुँचे आप बैठे हुए थे दोनों आकर बैठ गए सलाम किया अब ये चाहते थे कि अगर हम इस्लाम ले आए तो हमें दुनियावी मफाद क्या मिलेगा कहने लगे कि आप हमें खलीफा बनाएंगे आपने फरमाया नहीं तुम अपने घोड़ों पर बैठो और अल्लाह की राह में इताल करो इस्लाम का साथ दो तो कहने लगे कि घोड़े तो मेरे पास भी मौजूद हैं नजर से आया हूँ बहुत घोड़े हैं मेरे पास पूछा अच्छा पैसा करें देहात हमारे हवाले कर दें शहर आप रख लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया कि नहीं ऐसा नहीं होगा फ्री उठे और कहने लगे कि मैं आपके खिलाफ घोड़सवारों को प्यादों को जमा करूँगा यानी आपके खिलाफ आपके साथियों के खिलाफ लश्कर कशी करूँगा तो आप सल्लल्लाहु अल्लाह वल्ल ने शाद फरमाया कि अल्लाह तुमको इस इकदाम से बाज रखेगा नजर मोहतरम नबी अकरम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मज़ात हैं उसमें से एक मवजा यह है कि यहूदी आपके जान के दुश्मन थे मुश्किन आपके जान के दुश्मन थे लाख कोशिशों के बावजूद आपको कोई जरा नहीं पहुंचा सके वल्लासम का मिनिर नास बिला शुबा अल्लाह ताला ने आपको लोगों से यानी शरीर लोगों से महफूज रखा है तो ये आपका एक मज़ा है कि आप लोगों से महफूज रहे बात यह है कि आपने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें बाज रखेगा तो वो कहने लगा कि इन दिल में सोचने लगा कोई ना कोई तदबीर करते हैं निकला अपने साथी को कहा कि हम दोबारा जाते हैं और मैं इनको बातों में लगाऊंगा और तुम अपनी तलवार निकाल कर इन्हें कत्ल कर देना माजल्ला चुनाचे दोबारा आए अच्छा अब आपस में बातें हो रही हैं कि उसके बाद क्या होगा मतलब तो कर देंगे ये लोग हमें पकड़ लेंगे फिर क्या होगा कहा कि दियत पर ये लोग राज़ी हो जाएंगे दियत देकर छोड़ देंगे बड़ा बदमाश किस्म का सेट था ये बड़ा मालो स्वाब था इसके पास तो इसने अपने इरादे जो मजमूम इरादे थे वो बनाए लेकिन अल्लाह के चाहे बगैर तो कुछ नहीं हो सकता प्यारे अकाल सदुम को बातों में लगाया और पीछे अरबद नामी शख्स आके खड़ा हुआ नियाम में जैसे ही हाथ डाला इसका हाथ वहीं शल हो गया अभी कोशिश कर रहा है तलवार निकालने की लेकिन तलवार नहीं निकल रही हाथ साकित हो गया मुंजमिद हो गया अपनी जगह से हरकत नहीं कर रहा नबी अकरम अकरमल ने पीछे मुड़कर देखा और इन लोगों को बहरहाल रसुआ होकर वहां से पलटना पड़ा ये आगे गए तो एक मकाम पर अरबत पर आसमान से बिजली गिरी और उस बिजली ने उसे हलाक कर दिया रात जो है रात का माना बिजली है जो आसमानों में कड़कती है रात कहते हैं तो ये जो पस मंज़र है कि इस सूरत का नाम रात क्यों है और इस रात का तस्करा क्यों है यहाँ पर उस वो पस मंज़र ये है और दूसरा जो शख्स था आमिर बिन तुफेल अभी वो रास्ते में ही था उसके पूरे जिस्म पर छाले और फोड़े बन जाते हैं यहाँ तक कि हलक तक फोड़े फैल जाते हैं सलूल की एक औरत के उसने कयाम किया और दुआ मांगने लगा कि इस मुसीबत से मुझे निजात मिले मुझे मौत ही आ जाए और बिल आखिर वो शख्स भी अपने इस बुरे मर्ज में मुबतला होकर जहन्नुम रसीद हो जाता है तो ये तो पस मंजर था पहली आयत मार तो सुन ली थी आते हैं। जो अगली आयत है उसका एक पस मंजर ताकि मुकम्मल हो जाए उनकी तलावत तो सुनते हैं फिर हम इस आयत मुबारक के काम हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं जी। है, जन्नत का है माए कंजुली मान हर छुपे और खुले का जानने वाला सबसे बड़ा बुलंदी वाला कुरान रहनुमा है जन्नत का रास्ता है सवार बराबर है जो तुम में बात आहिस्ता कहे और जो आवाज से और जो रात में छुपा है और जो दिन में राह चलता है جنتك راستا له معطبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حد يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سُوءًا فلا مرد له وما لهم من دونه من आदमी के लिए बदली वाले फरिश्ते हैं उसके आगे और पीछे के बहुक में खुदा उसकी हिफाजत करते हैं बेशक अल्लाह किसी कौम से अपनी नेमत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदल बदलते और जब अल्लाह किसी कौम से बुराई चाहे तो वो फिर नहीं सकती और उसके सिवा उनका कोई हिमायती नहीं थी और उसमें अल्लाह रब ने किस तरीके से वो फरिश्तों के और एक पस बयान हो रहा है शान नजुल के तौर तो पर रुमा ने लिखा कि बिजली गिरी थी तो इसलिए जो है वो ये आयत मारा का नाजिल हुई आयत नंबर बारह और तेरह समाप्त करते हैं जी खुरु है जन्नत का वा वा तर्जमाए कंजुल वही है कि तुम्हें बिजली दिखाता है डर को और उम्मीद को और भारी बदलियां उठाता है एक हदीस मुबारक में कि कुछ यहूदी नबी अक्रम अलीसलाम के पास आए और कहा कि हमें बताइए राद क्या चीज़ है आपने फ़रमाया एक फरिश्ता है जो आसमानों पर मुकर है और जिसका काम है बादलों को आगे बढ़ाना और उसके पास आग का एक कोड़ा है और जहां अल्लाह चाहता है बादलों को वो वहीं आगे चलाता है और जब वो कोड़ा मारता है तो उससे ये बिजली पैदा होती है और ये उसकी आवाज होती है उन्होंने कहा कि आपने सच कहा यानी ये या बात उन्होंने अपनी किताबों में भी पढ़ी हुई थी आयत नंबर तेरा जी है जन्नत है वे हम दीमा इन मुसीफती फिल्ला वीदुल तर्जमाए कंसुल ईमान और गरज उसे सराहती यानी खुदा की तारीफ करती हुई उसकी बाकी बोलती है और फरिश्ते उसके डर से और कड़क भेजता है तो उसे डालता है जिस पर चाहे और वो अल्लाह में झगड़ते होते हैं और उसकी पकड़ सख्त है जो है साइका की जमा है साइका कहते हैं उस आवाज को जो बादलों से पैदा होती है रात बिजली को और साइका जो है उस आवाज को कहते हैं यहाँ अल्लाह रबुल्ज ने इन चीजों का बयान इशाद फरमाया और इतनी खूबसूरत बात यहाँ में सीखने को मिली कि युसफ बुर्रा अद ये जो बिजली है ये भी अल्लाह की तस्वी बयान करती है वो भी एक मखलूक है अल्लाह की आवाज़ भी अल्लाह की एक मखलूक है तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्ज़त की जो मखलूक जो भी है वो अल्लाह की तस्वीर बयान करती हैं जो दरख का पत्ता है वो भी अल्लाह की तस्वीर बयान करता है जब तक ये खुश ना हो जाए और यही वजह है कि कब्रों पर जो है वो तर टहनियाँ रखने की तरगीब दी गई है कि जब तक वो तर रहेंगी क्योंकि वो तस्वीर कर रही हैं तो जो मुर्दा है उसे उनसीयत मिलती रहेगी तो इंसानों के सिवा जो भी मखलूक है अल्लाह की वो अल्लाह की तस्बीहात से गाफिल नहीं होती आ जाते हैं आयत नंबर तेरह पर जो बकिया आयत थी शान नजुल समझने के लिए हमने उनकी तलावत समात की अब चूंकि हमारा ये प्रोग्राम जो है इसका जो फॉर्मेट है वो वह कि हम फ़िकी अहकाम बयान करते हैं अब यहाँ अल्लाह रबुुल्ज़त ने ज़ाद फरमाया अल्लामा तहमिलकुल्ल जो भी मुनस जो भी मादा अपने रहम में उठाए हुए होती है अल्लाह रब्ज़त को उसका इल्म है वमा तगीदलरहाम वमा तजदाद और रहम का जो छोटा बड़ा होना है देखिए जब इसमें जब हमल ठहरता है तो यही रहम फिर बड़ा होना शुरू हो जाता है अल्लाह इज़्ज़त ने ऐसी इसके अंदर लचक और कैपेसिटी रखी है कि जिस्म की साख जो है वो बदल जाती है और ये जो छोटा बड़ा होना जो है अल्लाह के इल्म में होता है अल्लाह के चाहने से होता है उसने बंदे को पैदा किया है ऐसी खासियतें अदा की हैं ये सब अल्लाह के करने से है फरमाया शई इन इन दहोब और अल्लाह के पास हर चीज़ का एक फिगर मुकर्र है कि इस चीज़ को इतना होना है तो आमतौर पर तो, तो अंदाजे का तर्जमा किया जाता है लेकिन अंदाजा का उर्फ ही आजकल जो माना है वो कुछ और है यानी किस चीज़ को कितना होना है ये अल्लाह के यहाँ मुकर्र है बच्चा आठ महीने में पैदा हो जाए तो वो नॉर्मल बच्चा तो होता है लेकिन वो पोजिशन नॉर्मल नहीं कहलाती उसको फिर एक मसनू तरीके से वो सब चीज़ें दी जाती हैं अच्छा ज़्यादा उम्र हो जाए तो बहुत सारे ख़तराक लाइक हो, हो जाते हैं तो एक हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर अल्लाह रब्ल ने टाइम और पीरियड मुकर कर दिया है नमाज का एक टाइम पीरियड है रोज़ों का एक टाइम पीरियड है कि बारह महीने अपनी जगह पर लेकिन एक महीना वो है जिसमें रोज़ फ़र्ज हैं फिर उस महीने में भी एक वक्त है जिसमें रोजे फ़र्ज हैं तो जो मकदार है जो वैल्यूज़ हैं और जो फ़िगर्स हैं कि भाई जहर जो में आपने चार रखातें पढ़नी हैं और मगरब में आपने तीन पढ़नी हैं फजर में आपने दो पढ़नी हैं ये अल्लाह की मुकर करदा हैंशन दाह मकदार वो अपने बंदों पर जब चीज़ लाजिम करार देता है एक मकदार के साथ लाजिम करार देता है यहाँ चूँकि खास पस मंज़र हमल का हमल के अजायबात और हमल की तख्लीक और जो भी इसके साइंसी पहलू हैं वो इंसान को बिलाशुबा हैरत में डालते रहेंगे लेकिन बात करते हैं हम फ़िकी मसाइल की तो मकदार के ताल्लुक से यानी हमल के फ़िकी मसाइल तो बहुत सारे हैं अगर मैं उसकी लिस्ट में आने जाऊँ तो सौ से भी ज़्यादा चले जाए लेकिन हमल के वो मसाइल जिसका ताल्लुक मकदार से है यानी से है आयाम से है यहाँ फिगर क्या हो गया, अयाम होगी अच्छा दो होना भी होता है लेकिन हम आयाम के ताल्लुक से देखते हैं क्या क्या फिकी मसाइल हैं सबसे पहले तो एक हदीस पाक फरमाया तुम में से हर एक का मादा पैदाइश यानी मादा पैदाइश माँ के पेट में चालीस दिन लुफ़े की सूरत में रहता है फिर इतने दिन खून की फटक की सूरत में रहता है अस्सी दिन हो गए और फिर इतने दिन यानि चालीस दिन लोथड़े की शक्ल में रहता है फिर उसमें रूह फूकी जाती है ये मेरे अल्फाज हैं अच्छा फिर हदीस पाक में फरमाया गया अल्लाह इज़्ज़त एक फरिश्ता चार बातें बताकर भेजता है उस फरिश्ते के क्या काम होते हैं वो चार बातें लाकर उसके बाद रूह पोंकता है क्या बातें इसकी मौत कब होगी इसका रिस्क क्या होगा नंबर तीन खुश वक्त है या वक्त है ये नंबर चार सब कुछ लिख देता है और उसमें फिर रूह फूँकता है अब उसमें रूह पड़ जाती है तो ये भी एक मकदार है कि हमल में जो रूह पड़ती है वो 120 दिन में पड़ती है चार महीनों में पड़ती है आयत बता रही है कि हमल के तल्लु से एक मकदार है तो पहली मक़दार ये कि हमल में रूह का पढ़ना रूह के पढ़ने का जो अमल है वो है चार महीने अब इस चार महीने पर भी बहुत सारे फ़िकी मसाइल का दारो मदार है अब हम आते हैं हमल की कलीर मुद्दत और कसर मुद्दत यानी बच्चा जो फुका ने असूल बयान किए हैं उन असूलों की रोशनी में कम अज कम कितने दिन में पैदा हो सकता है एक औरत ने शादी की और पांचवे महीने बच्चा पैदा हो गया तो ये बच्चा हराम का है क्योंकि छह महीने से पहले बच्चे का नसब साबित नहीं होगा बच्चे की जो अकल मुद्दत है कम से कम मुद्दत है वो तो छ माह है शादी की छठे महीने में बच्चा पैदा हो गया यह हलाल का कहलाएगा कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता कोई इसकी इजाज़त नहीं है कि भाई ये तो बड़ा नजर आ रहा है ये तो आठ महीने नजर आ रहा है शरीयत ने जो हुक्म बयान किया है उसके ताल्लुक से बहुत सारी जो हैं वो हमतें हैं बहुत सारी हमतें हैं आगे चलते हैं जो इंतहा मुद्दत हमल की वह ज्यादा से ज़्यादा दो साल है मिसाल के तौर तो पर तलाक दे दी किसी ने अब औरत के ती हमल से हूँ और दो साल तक वह हमला ख़ुद को कहती रही ठीक है इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि फ़कह ने हमल की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत दो साल मुकर की है अब बहुत सारे फिकी अकाम दोनों चीज़ों के गर्द घूमते हैं इद्दत का ख़त्म होना और बहुत सारे मसाइल हैं लेकिन बहुत सारे मसाइल वो भी हैं कि जिसका ताल्लुक रूह पढ़ने की जो मद्दत है उससे है अब मिसाल के तौर पर एक सवाल किया जाता है कि हमल साकित करवाना कैसा इसका जवाब यह कि जायज नहीं है अलबत्ता कुछ सूरतें ऐसी हैं कि रूह पढ़ने से पहले हमल साकित करवाने की कीमा इजाज़त देते हैं और रूह पढ़ने की जो मुद्दत है वो जैसा कि हमने बयान किया वो है एक सौ बीस दिन यानी चार महीने का जो हमल है उसमें रूह पढ़ती है तो अगर उससे पहले कोई हमल ज़ाया करवाना चाहता है तब भी इजाज़त नहीं है लेकिन बाज बाज़ूरतें ऐसी हैं खूसी तो हालात में उसकी इजाज़त दी जाती है साल जो है वो दार्ता पर अपना मसला पेश करता है अपने मसाइल पेश करता है अपनी नोयीत पेश करता है उसके अहवाल को सुन के क्रास क्वेश्चन करके वहाँ इजाजत दी जा सकती है लेकिन रूह पढ़ने के बाद हमल ज़ाया करना एक इंसानी जान को कत्ल करना है किसी सूरत में उसकी इजाज़त नहीं है अच्छा जनाब अब हमल में तलाक भी हो जाती है बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमल में तलाक़ नहीं होती गलत कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमल वाली औरत की इद्दत अलग तरीके से बयान की है यानी तलाक हो जाए इद्दत अलग तरीके से बयान की है यानी अगर हमल नहीं है माहवारी आती है तो उसकी इद्दत माहवारी से है लेकिन अगर वो हमल वाली है तो फरमाया व उला तोलमाली अजल हन्ना यदाना अगर हमल वाली औरत है उसकी उद्दत बच्चा जन्ने तक है जब तक बच्चा माँ के पेट में इद्दत पाके रहेगी इंतकाल हुआ अगले दिन बच्चा जन्म दिया इज्जत खत्म हो गई छः महीने बाद जन्म दिया छः महीने इद्दत चलेगी नौ महीने बाद जना तो नौ महीने इद्दत चलेगी तो कुरान पाक ने इद्दत बयान की है इसका मतलब यह है कि तलाक हो जाती है यह भी तो बयान की है कि तलाक में कोई हमल से हो तो उसकी इद्दत यूं होगी बोलना कैसे बयान होता अब जनाब इज्जत गुजारनी है और यह भी पता चला कि हमल की इद्दत और है और दिगर हालतें हैं उसकी इ्जत और है अब बिल फर्ज बच्चा चार महीने से पहले ज़ाया हो गया और तलाक दे दी शोर ने चार महीने से पहले ज़ाया हो गया अब चूँकि जान पड़ती है चार महीने के बाद अब इस औरत की इद्दत फिर जाएगी अय्याम की तरफ अब ये माहवारी के अतबार से इ्जत करेगी चार महीने के बाद अगर बच्चा ज़ाया हुआ है तो बच्चा जनने ही का ये मामला हुआ है जिस तरीके से बच्चा जन्ने पर इद्दत पूरी हो जाती है चार महीने के बाद हमल ज़ाया होने से भी इद्दत पूरी हो जाएगी इसी तरीके से बाजुकात ऐसा होता है कि हमल ज़ाया हो जाता है खून आता है तो उसमें भी मसला ये है कि अगर तो चार महीने नहीं हुए थे पहली बात इसको आमतौर पर यूं ही बयान किया जाता है उजू नहीं बने थे लेकिन मुराद इससे यही होती है कि चार महीने नहीं हुए थे और पंद्रह दिन पाक रहने का गुजर चुका है तो ये जो खून है तीन दिन अगर आया है तो ये हैज़ का खून कहलाएगा और अगर ऐसा हुआ कि उज बन चुके थे तो जाहिर बात है अब जो खून है वो खून निफास का कहलाएगा दोनों तो के अलग अलग अहकाम है इसकी जो अक्सर मुद्दत है दस दिन है यानी हैज़ की निफास की अक्सर मुद्दत है वो चालीस दिन है फिगर्स पर हम घूम रहे हैं अल्लाह रबुजत ने शाद फरमाया वकुल्लिन इन द मकदार अल्लाह रबत ने चीज़ों की मकदारें मुकर की हैं मकदारों के गिरद अहकाम घूम रहे हैं मकदार तो हर अहकाम में मिलेगी लेकिन हम ख़ास हमल को सामने रखते हुए कुछ चीज़ें बयान कर रहे हैं हमल हो इंतकाल कर जाए किसी का अब लड़का हो तो अलग हिस्सा बनेगा लड़की हो तो अलग हिस्सा बनेगा इसको स्टॉप करके कर रखते हैं कि जो होगा उसके मुताबिक हुक्म दिया जाएगा लड़क मतलब बच्चा पेट में तब भी उसका तरके में हिस्सा है अगर चेक वो एक दिन का अमल हो तरके में उसका हिस्सा है लेकिन पैदा होगा अगर लड़का है तो लड़के के मुताबिक हिस्सा पाएगा लड़की है तो उसके मुताबिक बिलफर्द मुर्दा पैदा हुआ तो माइनस हो जाएगा हमल के लिए वसीयत की जा सकती है और बहुत सारे मसाइल हैं जो इस तल्लु से किताबों में मिलते हैं तो देखिए अल्लाह रब्ज़त के अहकाम उसने जो ये शाद फरमाया कि चीज़ें जो हैं वो मकदार के गर्द घूमती हैं मफहोम उसका यह है तो यूँ शरीत के जो मसाइल हैं उसमें ये क्यों जनाब ये क्यों है इतने दिन क्यों है इतने दिन क्यों नहीं है ये सब चीज़ें वही के ज़रिए हमें बताई गई हैं इसमें अकल का अमल दखल नहीं है किसी जबते का किसी कायदे का अमल दखल नहीं है ये वही से नकल शुदा वो चीज़ें हैं जो कयासी हैं मकदार जो है वो कयासी नहीं होती कयासी होती है तो मकदार मनकूल होती है जैसा कि दाढ़ी के बारे में हरतः अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा गया कि दाढ़ी कितनी है उन्होंने जो है वो एक मुश्त लिया और नीचे ज काट ली तोा लिखते हैं कि कोई जब्ता तो इसका है नहीं जाब्स् इसका सिर्फ यह है कि इन्होंने रसूल अकरम अली सात को इसी तरह करते हुए देखा है यह गैर क्यासी मामला है तो यूँ इस प्रोग्राम को देखते रहेंगे तो बहुत सारे जो फिकी मसायल हैं उसके ज़ाबते उसके तरीके उसका पस मंज़र आपको सीखने को मिलता रहेगा अल्लाबुज़त अमल की तोफ़ी अतः फ़रमाए शर सदर अतः फ़रमाए कुरान का सीखना समझना हम पर मजीद आसान फरमाए आमीन बिजाही नबीमिन सल्लाम आन के अहकाम पर भी मुझको चला दे औरकाम पे भी मुझको चला दे